इस माघ मेला 2023 6 तारीख से पौषी पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, यहाँ कल्पवासियों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और लगातार कल्पवासी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं काफी देर से यहाँ पे खड़ा होकर शूट कर रहा था और इनकी संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइस यहाँ पे अपने फैमिली के साथ भी भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब कितने लोग आए हैं आपके साथ? 5-6 लोग हैं। तो गाइस यहाँ पे एज का कोई बाउंड नहीं होता है। जब भी यहाँ पे माघ मेले का या फिर महाकुंभ का कल्पवास होता है, पौषी पूर्णिमा से स्टार्ट होकर माघवी पूर्णिमा तक चलता है, 1 महीने तक सभी आकर के यहाँ पे अपने श्रद्धा भाव से 1 महीने यहाँ पे निवास करते हैं और गंगा मैया की गोद में स्नान करते हैं और ध्यान करते हैं। भाई सही कह रहे हैं? कहते हैं कि यहाँ पे 1 महीने तप दान यज्ञ करने से लोग अपने पाप से मुक्त होते हैं। कहा जाता है कि आप भी रहेंगे यहाँ पे 1 महीने? नहीं नहीं, हम तो आए हैं, मौसी अच्छा, हमारे ना साथ में हम अच्छा, अच्छा, लोग रहेंगे। पढ़ाई करते हैं, अच्छा 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 तो हम यही कहना चाहते हैं कि गंगा माँ के स्नान करेंगे, अच्छे रहेंगे और यहाँ पे सब श्रद्धा भाव से अपना 1 महीने पूरा करेंगे। हाँ, 1 महीने पूरा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। हाँ, तो भाई जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आइए यहाँ पे, अभी माघ मेला स्टार्ट ही हुआ है, 6 तारीख स्टार्ट होना है, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे 1 महीने तक कल्पवास कीजिए और यहाँ का पुण्य प्राप्त कीजिए। बाय। आज है 5 तारीख, कल से शुरू हो रहे पौषी पूर्णिमा स्नान के लिए साथ ही कल्पवास के लिए श्रद्धालुओं का पूरे दिन और रात आने का तांता लगा हुआ है। तो गाइस जो श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है, इसमें जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओल्ड जीटी पॉन्टून पुल नंबर 5 से, जो कि आप यहां से हो सकता है दिख जाए, बिल्कुल ये श्रद्धालुओं का यही आकर्षण तीर्थराज प्रयाग को बहुत ही ज्यादा खास बना देता है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में आप भी आएं और पूरे 1 महीने कल्पवास करें। देशी इंडियन नियम के देवनगरी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा विहंगम और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, उसी का नजारा दिखाने के लिए हम यहाँ पे गाइस आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा और बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भाव से आप इसे देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रयागराज आएंगे, यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, पुण्य वगैरह प्राप्त करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। तो भाई जाइए आप भी यहाँ पे स्नान कीजिए और 1 महीने श्रद्धा भाव से यहाँ पे व्यतीत कीजिए प्रयागराज संगम में। भाई जिस अलौकिक दृश्य का इंतजार रहता है हम लोगों को पूरे साल भर, और जैसे ही ये मेला आता है हम लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी मस्ती वगैरह करते हैं, पूरा एकदम भाव विभोर रहते हैं, पूरी समस्याओं को भूल जाते हैं और यहाँ पे एक नई ऊर्जा के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। तो भाई संगम प्रयागराज में आप कब आ रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। करोड़ों श्रद्धालुओं का निवास मानो प्रयागराज को तंबुओं का शहर बना दिया है। सर पे रखे सामान, दौड़ते श्रद्धालुओं की भीड़ सब कुछ भूले चले आ रहे हैं। श्रद्धालु संतों के सानिध्य में मानो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। तो
गाइस जो कल्पवासियों का आना है वो बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट हो चुका है। राधे 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 राधे, स्वागत है आप लोगों का प्रयागराज की धरती पर। चमकती 14 लाख से ऊपर की यहाँ पे एलईडी लाइटें इसे रात में और भी आकर्षक और मनोरम बनाती हैं। गाइस पावन नगरी प्रयागराज आपका हार्दिक स्वागत करती है, गाइस आपका आह्वान करती है कि आप यहाँ पे आएं और एक महीने अपना यहाँ पे सुकून से बिताएं। गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम और श्रद्धालुओं का जो ये श्रद्धा भाव है, यही श्रद्धा भाव प्रयागराज को और भी तीर्थों में सबसे ऊपर ले आता है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहने में किसी प्रकार से हमें हिचकिचाहट नहीं होती है। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं तीर्थराज प्रयाग के इस माघ मेले में। तो गाइस यहाँ पे हमें मिल गए हैं मैडम जी, और जो पौषी पूर्णिमा का जो स्नान शुरू होने वाला है वो 6 तारीख को है। तो मैं सबसे पहले मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ के कल्पवासी आ रहे हैं उसके थोड़ा महत्व को समझाइए। कल्पवास का महत्व पे हम लोग कोई प्रकाश नहीं डाल सकते। वो लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से खुद ही आते हैं माँ की गोद में, और अभी तो शुरू होने दीजिए मेला, फिर यहाँ पर आप आस्था का मेला देखिएगा। अमावस्या वाले दिन सबसे ज्यादा यहाँ भीड़ होती है। तो गाइस मेरा बस इतना ही कहना था मैडम से, और कुछ नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। तो गाइज मैडम यहाँ कल्पवास के बारे में आपको बताना चाह रही हैं और प्रयागराज का जो यहाँ पे अनुभव शेयर करना चाह रही हैं। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। यहाँ 3 नदियाँ गंगा जमुना का संगम है, और सरस्वती विलुप्त अवस्था में जो दिखाई नहीं पड़ती हैं, और त्रिवेणी जल यहाँ संगम है। दूर दूर से लोग जो है विदेशों से भी आते हैं। ये अकबर का किला है, और कहते हैं कि अकबर के अकबर प्रयाग से इतना ज्यादा मोहित हुआ कि यहाँ उसने ये किला बनाया। और सामने में झूसी, तत्कालीन समय में उसका नाम झूसी है, और पहले के समय में उसका नाम प्रतिष्ठानपुरी हुआ करता था। और वहाँ का जो राजा था वो बहुत संपन्न और समृद्ध राज्य था। कहते हैं कि प्रतिष्ठानपुरी के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वहाँ पे सभी चीजें एक बराबर एक ही दाम पे मिलती थी। तो वहाँ पे वहाँ का राजा जो था वो मूर्ख था। कहावत ये प्रसिद्ध थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये प्रसिद्ध था। और उसके दरबार में बीरबल था, बीरबल उसका जो है मंत्री हुआ करता था। वीरबल ने ही उस किले का निर्माण कराया था। उस किले को उल्टा किला कहते हैं। आज भी उसका अवशेष यहाँ है, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में वो किला है। कहते हैं कि यहाँ पे एक महीने तप दान यज्ञ करने से लोग अपने पाप से मुक्त होते हैं। कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सागर मज्जे ही सफल त्रिवेणी। कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। तो और यहाँ के जो मंदिर है उनके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे सर्वप्रथम तो अक्षय वट का वृक्ष है किला के अंदर, जिसको कहते हैं कि जब वन गमन के समय रामचंद्र वन गमन जा रहे थे तो माता सीता ने लगाया है, कहते हैं उस अक्षय वट के वृक्ष का। और हमारे बधवा के लेटे हनुमान जी हैं, शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। और हनुमान जी के बारे में भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका दहन किए और पूरा रामायण का युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बाद जब रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ, तो हनुमान जी चूंकि बहुत बड़ा काम हनुमान जी का ही था उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स में लेकर के आता रहूं। तो गाइस गंगा मैया की गोद से करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।